मैं प्रिया आपके साथ। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। हादसे के 51 घंटे बाद रविवार रात को इस ट्रैक से जब पहली ट्रेन रवाना की गई, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है। यह कहकर वे भावुक हो गए। रेल मंत्री हादसे के बाद से ही बालासोर के बहनागा बाजार स्टेशन पर राहत बचाव और ट्रैक रिपेयरिंग की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शनिवार को बालासोर का दौरा करने के बाद रेल मंत्री से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट्स ले रहे हैं। हादसे के 48 घंटे बाद रविवार रात घटना स्थल से एक यात्री जिंदा मिला। हादसे के वक्त वो बोगी से निकलकर झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था। युवक की पहचान असम के रहने वाले दिलाल के रूप में हुई है। उसे तुरंत रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया है, जहां उसे होश भी आ गया। घटना में उसका फोन और वॉलेट गायब हो गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।